हेलो तो दोस्तों सलाम वालेकुम। तो आपने देखा कि ये बिफ़ोर है तो ये आफ्टर है। हमने बिफ़ोर आपको भी दिखाई, आपको आफ्टर भी दिखाई, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना है, ठीक है। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ पिक्सल आर्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। तो कई भाइयों ने मुझसे कहा था कि भाई जान यार हम मोबाइल पर एडिटिंग करते हैं, तो मैं आपको मोबाइल एडिटिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपने सिंपली करना क्या है कि आपने ये देखिए बिफ़ोर और ये आज मैं आपको आफ्टर फोटो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से कटआउट का निशान पहले सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, तो हमने ये कटआउट का थिंग पकड़ा, ठीक है, यहाँ से। और हम यहाँ से करेंगे ऑटो थ्रेड, इस पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद सिंपली हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है ऊपर ऊपर से, देखें हमने इसको सिर्फ ऊपर ऊपर सेलेक्ट करना है, ये खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो आप चलाते होंगे पिक्सआर्ट वगैरह तो आपको खुद पता चलना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों तो यार मैं आपसे फिर एक दफ़ा कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल सादत फोटोग्राफी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, दोस्तों के साथ। यार मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो ये देखें और हमारी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। तो हमने सिंपल इतनी चीज़ें हमें चाहिए थी, ये वाला बैकग्राउंड हमें चाहिए था, ठीक है। तो हम पीछे से बैकग्राउंड का चेंज करने वाले हैं, तो मैं आपको हम पीछे बिल्डिंग्स वाला बैकग्राउंड लगाएंगे। तो मैं आपको दिखा, आपने वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से इस वीडियो को, इस फोटो को एडिट कर रहे हैं, तो ठीक है यार। अब और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आप कभी भी एडिटिंग में, आप एडिटिंग में मास्टर बन जाओगे, आप कभी भी एडिटिंग में किसी के पीछे नहीं रह सकते, ठीक है। क्योंकि मैं आपको आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। आजकल फोटोशॉप कोई भी नहीं चलाता यार, ठीक है। किसी किसी हर इंसान के पास आजकल मोबाइल है, ठीक है, तो वो यूज़ करता है पिक्सआर्ट वगैरह, लाइटरूम वगैरह, ठीक है। तो आज मैं आपको करके दिखाने वाला पिक्सआर्ट है, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड है बिल्डिंग्स वाला, ठीक है, इसको हमने उठाना है, ठीक है। सिंपली ये देखिए, यहाँ से इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद तो जितना हमें चाहिए उतना हमें यहाँ से ले लेना है, ठीक है। तो ये देखें, ये इतना तकरीबन सही है यहाँ से, हाँ। तो हमने ये ले लिया इतना बैकग्राउंड, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है कि इसके ऊपर हमने अपनी फ़ोटो को लेकर आना है, तो ठीक है। हमने यहाँ से करना है ऐड फोटो, ऐड फोटो पर करेंगे। तो यहाँ से जो हमने फ़ोटो अभी कटआउट की थी हमने यहाँ से उठा ले दी, तो यहाँ से हमने इसको करना है, ये देखिए ये आ गई हमारी फ़ोटो यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली हमने इसको करना बड़ा कर लेना थोड़ा सा, हम जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो इसे हम बड़ा कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं तकरीबन, यार हम देखते हैं यहाँ पर हमें सही एडजस्टमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल सही एडजस्टमेंट मिल रही है, ठीक है। देखिए बिल्कुल, यानी हमारा बैकग्राउंड जो हमारी पिक्चर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कटआउट की है, ठीक है। तो आप भी यार थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर को कटआउट कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यार, तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने एडिटिंग की तरफ गौर करना है कि यार एडिटिंग मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या खास है, क्या आपने ज़्यादा जो है गहराई वाला काम है, ज़्यादा छोटा, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो यार ये देखो मैंने रिजल्ट सेलेक्ट किया, जो कि हमारे जो हमारा बैक बैकग्राउंड था ना पहले वाला, तो उसके ये देखें हल्के हल्के लगा बैकग्राउंड हमारे पिक्चर्स की साइडों पर आया। तो ये देखा हमने इसे, मैं यहाँ से स्पीड तेज़ कर दिया, तो ये देखें हम यहाँ से ये करते हैं ऊपर ऊपर से रेज़ कर लेंगे। तो हमने ये कर लेना रेज़, ठीक है। रेज़ करने के बाद तो अभी देखिए हम रेज कर रहे हैं, इसे रेज हो लेने दें।
तो सिंपली जैसा कि मैंने आपको कहा था, ठीक है, मैंने अपनी शर्ट का कलर जो है चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। तो हमने अभी इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट और कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जैसा कि मैं आपके सामने बिल्कुल कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसलिए मैं यहाँ पर सॉन्ग नहीं लगाया कि यार मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर हमें क्या पॉइंट है खास, यहाँ पर हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये देखिए मैंने जो अपने जो कलर सेलेक्ट किया वो मैं अपनी जो है पैंट शर्ट पर मैंने पहले कलर कर लिया था, ठीक है। अब मैं अपनी जो पैंट इस पर कलर करने वाला हूँ। तो ये देखें आप, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपके कोई कॉपी वगैरह नहीं कर रहा हूँ यार, बिल्कुल आपको रियल दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखो यार, सिंपली आपके सामने मैंने अपनी जो पैंट है उसका कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमने सिंपली करना क्या, टिक करना है। टिक करने के बाद हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कोई कलर, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा इसे नॉर्मल सा कर देते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन सही है यार, ये हमारा कलर यहाँ पर, ठीक है, मेरे ख्याल से सही लग रहा था। हमने टिक करना है, टिक करने के बाद हमने जो करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे सिंपली क्रॉप पे, तो क्रॉप पे जाने के बाद इसे थोड़ा सा क्रॉप नहीं करना हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं सिंपली एडजस्टमेंट पर जाएंगे। एडजस्टमेंट पर जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ से हमने के ब्राइटनेस को थोड़ा सा हमने नॉर्मल सा करना है, 5+ या 2+ कर देना है, 5+ या 2+ जितना आपको सही लगे, ठीक है। मुझे 2+ सही लग रहा है, ठीक है। 2+ करने के बाद टिक कर देंगे। टिक करने के बाद, ठीक है, तो हमने यहाँ से सिंपली जाना ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे ये, और यहाँ से हमारी एक फ़ोटो हमने जो उठानी है, हमारी फ़ोटो कौन सी है, ये कौन सी कौन सी कौन सी, तो हमने यहाँ से सिंपली ये फ़ोटो उठा लेनी है इस बैकग्राउंड की, ठीक है। तो ये देखना, मैं आपको सिंपली करके दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से करना है इसको। ये देखिए हमारे किसी ने अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट है, क्योंकि मॉडल के हेयर पे पहले से ही उस तरह के हैं, ठीक है। और वो जब हमने ऊपर उसके हेयर्स लगा दिए तो वो बिल्कुल भी फेक नहीं लग रही हैं, बिल्कुल रियल लग रही हैं। तो ये आप देखें सिंपली कितने ज़बरदस्त हमारा मॉडल तैयार हो चुका है, ठीक है। और वाह यार क्या कमाल है। तो आप भी बिल्कुल इस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली अब बहुत आसान है, कोई ये ज़्यादा नहीं है मुश्किल, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है यार। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि यार तो आप कहें कि हमने इसको भाई हमसे ये नहीं हो रहा है, नहीं तो आप यार मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि भाई हमसे ये नहीं है, ये काम नहीं हो रहा हमसे, ठीक है। तो मैं तो हमें जाना स्नैपचैट में, देख ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, तो ये देखिए हमें जाने के बाद यहाँ से हमें कोई फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे अपनी फ़ोटो के लिए। तो कौन सा फ़िल्टर सेलेक्ट करें हम यहाँ से, जौन सा आपको अच्छा लगे। मैं तो अपनी मर्ज़ी का करूँगा ना, जौन सा मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। आपने भी बिल्कुल वही करना है जो आपको अच्छा लगे, ये ना ना हो कि जैसे जौन सा मैं कर रहा हूँ वो आप अपनी फ़ोटो पर अप्लाई करो, आपकी फ़ोटो अच्छी ना बने और बाद में आप मुझसे कहो यार भाई जान आपकी वीडियो सही नहीं हुई, ये आपने हमें सही नहीं बताया। तो यार इस तरह की आपकी फ़ोटो है तो आप बिल्कुल ये मेरे वाला फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से मैं एडजस्टमेंट शेडो वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है, आप कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आपके सामने बिल्कुल ऐसे रियल कितनी कमाल मेरी जो पिक्चर वो तैयार हो रही है, ठीक है। मैं आपको आखिर में बिफ़ोर भी दिखाऊंगा और आफ्टर भी दिखाऊंगा सिंपली। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सैचुरेशन को थोड़ा सा करेंगे 21+ करें हमने, बाय 22 पे हम यहाँ पे कर लेते हैं 31+, 31+ पे नहीं तो 27+, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने इसे कर लेना है सिंपली 42+ हमने इसे कर लिया, ठीक है। 42+ करने के बाद हमने यहाँ पर जाएंगे सिंपली सिलेक्शन पे, तो सिलेक्टिव जाएंगे ब्राइटनेस थोड़ी सी, देखिए हमने फेस की जो ब्राइटनेस है वो हमने थोड़ी सी ज़्यादा कर लिया। मेरा फाइव वेस है जो कंट्रास्ट है, स्ट्रक्चर हमने 10 पर स्ट्रक्चर हमने 9-, ठीक है। तो दोनों को हमने सिंपली ये देखें, यहाँ पे हमने अपनी बाजू जो मेरी बाजू यहाँ से ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है, तो ये देखें इसको भी हम यहाँ से वाइट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा मॉडल है जो तैयार होने वाला है, ठीक है। तो आपको मैं दिखाऊंगा आखिर में कि यार हमने इस फोटो, ठीक है। तो मैं फिर से आपको गुजारिश करता हूँ कि यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी फ़ोटोज़ को भी लाइक कर देना यार ज़रूर, ठीक है। और आपने सिंपली करना क्या है कि आपने करना ये है कि आपने इसे वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आज सब्सक्रिप्शन पर आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो आपने तो आप देखते रहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार मेरे आज बहुत ज़्यादा मेरा गला ख़राब है, ठीक है, तो मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाता, ठीक है। तो मैं आप सिंपली देखें कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखते रहिए यार दोस्तों,
तो यार मैं एक दफ़ा फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब, आप भाइयों की सपोर्ट मेरे साथ होगी तो आपको मिलिए, आप जैसी वीडियो कहें मैं वैसी वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँ। तो दोस्तों सिंपली हमारा कोर्स जो मुकम्मल हो चुका है, हमारी तस्वीरें जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो हमने इसे सेव करना है। तो ठीक है, जो जो हमने इसके अंदर यूज़ किया वो सर आपके सामने आ रहा है सेव, तो ये सेविंग फोटो हो चुकी है, तो हमारी फोटो जो सेव हो चुकी है।